प्रयागराज जनपद में गंगा, यमुना एवं उसकी सहायक नदियों में लगातार जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण नगर क्षेत्र में कुल 17 बाढ़ शरणालय सक्रिय करके संचालित किए गए हैं, जिनमें कुल 1098 परिवार के साथ कुल 5090 बाढ़ प्रभावित व्यक्ति शरण लिए हुए हैं। यह जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी जगदम्बा सिंह ने बताया कि बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को विभिन्न 17 बाढ़ शरणालयों में अवस्थापित किया गया है, जिनके उपयोग के लिए कमरे, उचित प्रकाश व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय एवं स्नानागार की व्यवस्था की गई है। उनको 2 समय नाश्ता चाय तथा 2 समय भोजन एवं बच्चों के लिए दूध बिस्किट आदि की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा साफ सफाई की टीम, स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा दल तैनात किया गया है, राजस्व कर्मी एवं सिविल डिफेंस के कर्मचारी तथा वार्डन कार्यकर्ताओं द्वारा खान पान एवं अन्य व्यवस्थाओं में काफी सहयोग किया जा रहा है। बाढ़ के दृष्टिगत NDRF की टीम द्वारा राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और टीम द्वारा बाढ़ में फंसे कई परिवारों तथा व्यक्तियों को सुरक्षित ढंग से निकालकर बाढ़ शरणालयों में पहुंचाया गया। इसी क्रम में बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए खटीक सेना के यूथ प्रदेश अध्यक्ष संजीव कुमार, जिला अपराध निरोधक समिति के सचिव संतोष कुमार श्रीवास्तव, सदस्य लक्ष्मीकांत मिश्रा एवं अन्य सदस्यों ने बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के लिए राहत सामग्री उपलब्ध कराया है। अगर कभी तो कम चाहिए तो मैं पानी का